मंदीप की पंजाबी रसोई में आज आपका स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे घर में मलाई मिल्क बर्फी आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है। आप उसकी जो सामग्री नोट कर लें। यहाँ से हमने एक कटोरी जो है मलाई के लिए 1.5 गिलास दूध लिया हमने, यहाँ पे 100 ग्राम बर्फी लिया हमने, यहाँ पे 1 बोल शुगर और थोड़े से हमने बादाम काट लिए। आप कुछ भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, हमने यहाँ पे बादाम का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए आपने कैसे बनानी है। फ्राई पैन में हम जो दूध लिया था 1.5 गिलास वो डालेंगे। अच्छी तरह से इसे गर्म करेंगे, हम 3 से 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। हम मलाई डालेंगे इसमें, हम अच्छी तरह से इसे पकाएंगे हम 3 से 5 मिनट तक। बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे जब तक हमारे 5 मिनट ना हो जाएं कि दूध नीचे ना लग जाए हमारा। तीन मिनट हो गया। अब इसमें हम जो खंड ली थी शुगर वो डाल लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे हम। अब इसमें हम बर्फी डालेंगे। अच्छी तरह से जो बर्फी हमारी जब तक मिक्स न हो जाए तो हम इसे हिलाते रहेंगे। हमारी जो बर्फी है जो मिक्स हो गई है, अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे बादाम लिए हैं जिनको हमने बेक काट लिया था लंबे रोग में। पाँच मिनट तक और पकाएंगे, फिर इसको हम ठंडा होने के बाद फ्रिज में लगा देंगे। 4 से 5 घंटे के बाद फिर आपको दिखाएंगे कि कितनी अच्छी जो बनती है ये मलाई मिल्क बर्फी आइसक्रीम। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसको फ्रिज में लगाएंगे 4 से 5 घंटे तक। चार घंटे हो गए हैं, हम चेक करेंगे हमारी आइसक्रीम में जो बन के तैयार हो गई है। देखिए हमारी आइसक्रीम है जो बन के तैयार हो गई है। आप भी बनाएं और सबको खिलाएं। धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।